श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। कामदेव जी के शत्रु शिव जी के सेव्य यानी जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी यानी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता यानी रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल से नेत्र वाले पृथ्वीपति यानी पृथ्वी के राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। देखनि बिन तम दसहु दिसे कपि दल भयउ खबार एक ही एक न देखहि जाता करहि पुकार। दसों दिशा में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को दूसरा नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए सुनत कोपि कपि कुंजर धाए। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसे चाप चढ़ावा पावक सायक सपदि चलावा। भय प्रकाश कतहु तम नाही ज्ञान हृदय जिमि संत जाही। फिर कृपाल श्री राम जी ने हंसकर धनुष चलाया और तुरंत ही अग्निवाण चलाया जिससे प्रकाश हो गया कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बली मुख पाई प्रकाशा धाय हरस विगत सम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भारत भट पट कहीं धरी धरणी करही भालू कपि अदभुत करनी। गही पद डारही सागर माही मकर उरग झस धरी धरी खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पर आई गर जाई भालु बली मुख रिपु दल बल बिचलाई। कुछ मारे गए कुछ घायल हुए कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर वीर गरज रहे हैं। निशा जानि कपि चारिउनी आए जहाँ कौसला धनी। राम कृपा करि चितवा सबही भय विगत सम बानर सबही। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं वहाँ आई जहाँ कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही वे वानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दशासन सचिव हंकारे सब सन कहे शिशु बचो जे मारे। आधा कटक कपिन संघारा
कहाउ बेगी का करूं बिचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, आप शीघ्र बताओ क्या विचार क्या उपाय करना चाहिए। मलवंत अति जरत निसाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर, बोला बचन नीति अति पावन, सुनौ तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था, वो रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वो अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, अस गुण हो न जाई बखानी, वेद पुराण जास जस गायो, राम विमुख का होना सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपसगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्यक्ष भ्राता सहित मधु कई तब बलवान, जे ही मारे सोई अब तरे वो कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटप को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंची जही से वही आसो कवन विरोध। जो काल स्वरूप हैं दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान धन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसा। बोलिए क्या कहते रामचंद्र की, कौन सुत हनुमान की।